एग्जाम्पल नंबर एट एक्स इक्व टू ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू एंड वाई इज इक्व टू ए साइन टी नौ यार डिफरेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी दैट इज द डी एक्स बाई डी टी ए कॉन्स्टेंट कॉस टी दैट इज माइनस साइन टी प्लस लॉग एक्स का डेरिवेशन वन अपॉन एक्स मीन्स वन अपॉन यास मीन्स टेन टी बाई टू टेन टी बाई टू कंप्लीट

ए माइनस साइन टी प्लस वन टू साइन बाई टूटा बाई टू साइन टूटा यानी एंगल डबल यानी टू साइन थीटा बाई टू कॉस्टीटा बाई टू यानी साइन थीटा की फॉर्मूला आपको यहां पर डिनोमीटर में मिले नव यानी साइन टी हि पैरामीटर इज थी द साइन टी ओके नव नेक्स्ट पॉइंट अदरवाइज सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको तो साइन टी इज द एल सी एम एंडर स्क्वायर टी यानी साइन टी यर मीन्स वन माइनस साइन स्क्वायर टी ओके एंड वन माइनस साइन स्क्वायर टी दैट इज ए कॉस्क्वायर टी अपॉन साइन टी ओके तो ये हो गया डी एक्स बाई डी टी वाई इज इक्वस टू ए साइन टी मीन्स डी वाई बाई डी टी इज इक्वस टू ए साइन टी का डेरिवेशन क्या होगा स्टूडेंट्स कॉस टी नाव द नेक्स्ट स्टेप इज द डीवाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी वॉट इज द डी वाई बाई डी टी ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी इन टू डिनोवीटर में क्या आया स्टूडेंट्स ए कॉस टी कंप्लीट तो नाउ हि ए कैंसल And one time cos cancel that is the remaining is cos t upon sin t that is a cot t means dy by dx is equals to answer is cot t. Okay. Now, example number 9 x is equals to a sec theta that is the dx by d theta means a as it is sec x ka derivation sec x into 10x we get sec theta into 10 theta.

ए कांस्टेंट कॉस का डेरिवेशन होगा माइनस साइन थीटा प्लस हियर टू फंक्शन इज इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म दैट इज अ फर्स्ट कांस्टेंट साइन का डेरिवेशन थीटा साइन थीटा कांस्टेंट थीटा का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज वन नाउ माइनस साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा कैंसल ओके तो वॉट इज द रिमेनिंग हियर डीएक्स बाई डी थीटा इज इक्वस टू एस ठीटा तो डीएक्स बाई डी थीटा आपको मिल गया ना नेक्स्ट वाई इज इक्वस टू ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस्टीटा डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डीवाई बाई डी थीटा ए कॉन्स्टेंट डेरिवेशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस्टीटा माइनस थीटा इंटू कॉस्टिटा तो मल्टीप्लाई रूल से अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स दोनों को वन बाय वन करेंगे बीच में प्लस आएगा बट आगे साइन माइनस साइन चेंज हो जाएगा फर्स्ट कांस्टेंट साइन का डेरिवेशन माइनस साइन प्लस चेंज सेकेंड कॉन्स्टेंट यानी थीटा कॉन्स्टेंट थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा दैट इज वन मीन ए इन टू थीटा माइनस माइनस प्लस साइन ओके एंड हियर माइनस कॉस थीटा यर कॉस थीटा इज कैंसल दैट इज द ए थीटा साइन थीटा दैट इज द डी वाई बाय डी थीटा तो डी वाई बाय डी थीटा आपको मिल गया स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप डी वाई बाय डी एक्स दैट इज द डी वाई बाय डी ए वाई बाय डी थीटा एंड डी एक्स बाय डी थीटा व्हाट इज द डीवाई बाई डी थीठा एटा साइन थीठा And what is the dx by d theta? A theta cos theta, a theta a theta cut. That is the final answer. dy by dx is equals to sin theta upon cos theta. We get tan theta. Okay? तो so, ये पेटेंस है आपको सॉल करना होगा. Differentiation with respect to पहले dx by d theta, फिर divide by d theta, फिर दोनों का डिवाइडेशन करना है. Now next

ऑलरेडी क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा ओके okay, तो क्वेश्चन ये पैटर्न कुछ डिफरेंट पैटर्न से हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट x इज इक्वस टू अंडर रूट ऑफ ए रेस्ट टू साइन इनवर्स t एंड इज इक्वस टू अंडर रूट ऑफ ए रेस्ट टू कॉस इनवर्स t ओके okay? नाउ दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज एक्स इंटू वाई कॉमन अंडर रूट में लिखते हैं ए रेस्ट टू साइन इनवर्स टी इंटू ए रिस्टू कॉस टी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ओके okay? अब देखो ध्यान से दोनों को मल्टीप्लाई किया ना तो वो एक इंप्लीस फंक्शन में कन्वर्ट हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू दिसकेर बेस सेम मल्टीप्लाई पावर का क्या होगा एडिशन दट इज साइन इनवर्सिटी प्लस कॉस इनवर्सिटी कंप्लीट वी गेट एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए रेस्टू फाइव बाई टू रीजन साइन इनवर्स एक्स प्लस टू इन वर्स ऑफ ट्रिगनोमेट्री फंक्शन ओके अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर राइट हैंड साइड में क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया ओकेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो आप जो पैरामीटर था वो कैंसल हो गया डिफरेंसन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज द फर्स्ट कॉन्स्टेंट वाई का डायरिवेशन डी वाई बाई डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट एक्स का डायरिवेशन वन एंड राइट हैंड साइड इज जीरो ओके नाउ द एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई एंड सब्जेक्ट द डी वाई बाई डी एक्स वी गेट माइनस वाई बाय एक्स एंड प्रूव जो आपको प्रूव करना था वो यहाँ पर आपको इजीली मिल गया तो स्टूडेंट्स ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है याद रखना है पैटर्न जनरली अगर आपने डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी फाइन किया ऑलरेडी क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा ओके okay? तो यहाँ पर एक्सरसाइज 5.6 के 11 क्वेश्चन थे 11 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है ओके okay?